तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है दिल से आप सबका मेरे इस चैनल छवि अश्विनी कुमार पे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबके कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आते हैं उससे रिलेटेड, अगर मेरे पास प्रोडक्ट होते हैं तब मैं जो हूँ उस प्रोडक्ट का जो है वो तुरंत रिव्यू करती हूँ, या फिर अगर प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप उस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूँगी, ऑर्डर दूंगी, फिर मंगाऊंगी, फिर रिव्यू करूंगी ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे पास टोटल 5 जो है वो आपको सनस्क्रीन है, और एक सनस्क्रीन सुपर से ढूंढ ढूंढ के थक गई, लेकिन मुझे वो सनस्क्रीन नहीं मिला, और वो सनस्क्रीन था आपको लोटस का। तो लोटस का सनस्क्रीन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं उसको यूज़ कर चुकी हूँ, 30 भी, उसका 50 भी, और उसका 30-50 दोनों यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे उसके बारे में पता है कि वो कैसा है और क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सनस्क्रीन से। आस्था मेरी सन ब्लॉक क्रीम विद SPF 25, और मेरे पास जो है आपको 60 ml के पैकेजिंग में होता है। तो सबसे पहले कौन कौन सा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद कौन कैसा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में बात करते हैं मुझे कौन सा क्रीम अच्छा लगा। तो जो सेकेंड है वो है मेरे पास जोब्स का, आपको SPF 25 के साथ जो है वो सनस्क्रीन है। थर्ड जो है वो है मेरे पास गुड वाइब्स का एलोवेरा SPF 50, ठीक है। फोर्थ जो है वो है मेरे पास गुड वाइब्स का ही आपको सनस्क्रीन SPF 30। फिफ्थ जो है वो है ममा अर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन, और ये है SPF 50, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो क्रीम मैं दिखलाई हूँ उसके बारे में। सबसे फर्स्ट क्रीम बात कर लेते हैं, आस्था वेरी सन ब्लॉक क्रीम SPF 25। अगर मुझसे पूछते हो कि इसके टेक्सचर की बात की जाए, इसके स्मेल की बात की जाए, सब कुछ की बात की जाए, तो इसका स्मेल जो है सो बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड है। अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए तो फुल क्रीम बेस इसका टेक्सचर है, आप देख रहे हो ना, फुल क्रीम बेस इसका टेक्सचर है। तो मुझे लग रहा है अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो आपके स्किन के लिए ये जो है आस्था वेरी का ये सही नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछते हो आस्था वेरी का जो है वो आपको टेक्सचर कैसा लगा, तो काफी क्रीमी है, और मुझे नहीं लगता कि ये ऑयली स्किन के लिए सही होने वाला है, तो मैं इसको ऑयली स्किन के लिए सही नहीं बोलूंगी, और मुझे ये ओके ओके टाइप का लगा है, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन 5 बार या 6 बार यूज की हूँ, लेकिन मुझे कुछ ओके ओके लगा ये। सेकेंड है वो है जोब्स का आपको फेयरनेस लोशन विद SPF 25। अगर इसके बात की जाए तो इसका टेक्सचर की अगर बात की जाए तो ये आपको थोड़ा वाटर बेस्ड टेक्सचर है इसका। अगर इसके खुशबू की बात की जाए तो लिकोराइस की जो है इसके अंदर से स्मेल आपको आती है, क्योंकि इसके अंदर जो है लिकोराइस डाला हुआ है। ये क्या करता है, सनस्क्रीन का तो काम करता ही है, साथ ही साथ ये आपको क्या करता है, आपकी स्किन को फेयर भी करता है, क्योंकि इसके अंदर लिकोराइस डाला हुआ है, तो लिकोराइस का काम होता है आपकी स्किन को फेयर करना। और ये तकरीबन मैं 8 या 9 डेज यूज कर चुकी हूँ इसका, बहुत पहले मैं रिव्यू भी की हुई हूँ सिमसिम स्टोर के ऊपर में। तो ये वाटर बेस है, और अगर मुझसे पूछते हो कि ये ऑयली स्किन के लिए सही है या नहीं है, तो मैं बोलूंगी हाँ ये ऑयली स्किन के लिए सही है, आप लगा सकते हो। ऑयली स्किन के लिए भी सही है, नॉर्मल स्किन के लिए भी सही है, ड्राई स्किन के लिए उतना सही नहीं है, लेकिन ऑयली और नॉर्मल स्किन के लिए सही है ये। जाते हैं थर्ड वाले की, और ये है गुड वाइब्स का एलोवेरा SPF 50। और ये जो अगर आप मुझसे पूछते हो तो ये मैं तकरीबन 2 या 2.5 साल से इसको यूज कर रही हूँ। अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए तो फुल क्रीम टेक्सचर है, फुल क्रीम बेस्ड टेक्सचर है इसका, फुल क्रीम बेस्ड। तो ये क्या होता है, बहुत ये मुझे लगता है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, कोई भी स्किन टाइप को लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए बहुत इजीली जो है वो स्प्रेड हो जाता है, बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। स्टार्टिंग में गुड वाइब्स के इस प्रोडक्ट के साथ मुझे थोड़ी परेशानी होती थी कि जब मैं इसको लगाती थी ना अपने स्किन के ऊपर, ये देखो आपकी स्किन को थोड़ा सा ये फेयर भी बना देता है, इस हाथ में और इस हाथ पे आपको फर्क दिखेगा। जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो आपकी स्किन को ना 2 टोन तक ये फेयर बना देता है, ये देखो ये हाथ पे और ये हाथ पे। तो स्टार्टिंग में जब मैं इसको यूज की थी ना गुड वाइब्स के इस सनस्क्रीन को, तो मेरे स्किन पे अंदर इजिली एब्जॉर्ब नहीं होता था, और साथ ही साथ लगता था ना कि ऊपर मेरी स्किन के ऊपर कुछ वो
होता है ना कुछ पैक वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद जब वॉश करने जाते हैं तो ऐसे करते हैं, तो कैसे यहाँ पे रेसा सा रबर जैसा निकलता है उस टाइप का निकलता था स्टार्टिंग में। एक दो महीने मुझे ये परेशानी हुई थी, जब तक मतलब वो बॉटल नहीं खत्म हुआ तब तक वो परेशानी हुई। उसके बाद मुझे लगता है कि हैबिचुएटेड हो गई मेरी स्किन इससे, तो अब मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है मेरी स्किन में। लेकिन मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपके साथ ये परेशानी होती है तो आप क्या करोगे तो आपको ये परेशानी नहीं होने वाली। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, आपकी स्किन ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो, ऑल स्किन टाइप्स के लिए। और आप मतलब ये अच्छा है यार, बहुत अच्छा है ये। अब बात कर लेते हैं फोर्थ सनस्क्रीन की, तो ये है गुड वाइब्स का सनस्क्रीन SPF 30। और अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए और इसके इंग्रेडिएंट की बात की जाए, तो इसके अंदर है आपको एलोवेरा, ग्रीन टी, कुकुम्बर और भी इसके अंदर डाला हुआ है। तो ये क्या करता है, ये एंटी एजिंग का भी काम करता है और ये आपकी स्किन के ऊपर जो है तो कि अच्छे से लेयर बना देता है, ताकि आपकी स्किन जो है वो डैमेज नहीं हो धूप से। और क्योंकि एलोवेरा है तो एलोवेरा जो है सो कि एंटी एजिंग का काम करता ही है। तो मैं इसको 2 दिन लगाई हूँ सिर्फ, क्योंकि ये देखिए, अगर मुझसे पूछते हो ना तो ये क्रीम बेस नहीं है उतना, थोड़ा सा वाटर बेस है ये। ये देखिए मैं इसको लगा रही हूँ ना, जैसे इसको लगाई थी मैं वैसे ही जब भी इसको अप्लाई कर रही हूँ मैं, तो ये अगर मुझसे पूछते हो तो इससे ज़्यादा इजली जो है ये आपके फेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए ये मैं लगा चुकी। ये ना शाइन दे रहा है फेस के ऊपर, जैसे मैं लगाई हूं अभी। इसकी खुशबू बहुत माइल्ड है और खुशबू जो है सो एलोवेरा से मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर की इंग्रेडिएंट एलोवेरा है। की इंग्रेडिएंट इसके अंदर भी एलोवेरा है, लेकिन इसके अंदर से उतनी खुशबू नहीं आती है एलोवेरा की, लेकिन इसके अंदर से खुशबू आ रही है एलोवेरा की। तो अगर मुझसे पूछते हो कि ये कौन से स्किन टाइप्स के लिए, तो मुझे लगता है ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए ही है। पूछते हो कि कौन से स्किन टाइप्स के लिए जाने वाला है, तो मुझे लगता है ये बेस्ट जो है ऑयली स्किन के लिए जाने वाला है और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप को भी ये जाने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट सनस्क्रीन के ऊपर, वो है ममा अर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद SPF 50। अगर इसकी बात मुझसे करते हो तो ये मेरी बेटी पिछले 2 साल से यूज कर रही है। ये जो सनस्क्रीन है गोल्डी, मेरी बेटी है गोल्डी, वो 2 साल से यूज कर रही है। मैं भी इसको तकरीबन नहीं भी तो 15 दिन तक तो यूज की हूँ। अभी भी बीच में जब मेरा सनस्क्रीन खत्म हो जाता है, या फिर मेरे पास नहीं होता है, या फिर इधर उधर रखी होती हूँ मिलता नहीं है, तो मैं ये इसे लगा लेती हूँ। अगर मुझसे पूछते हो कि ये कैसा है, तो माइंड ब्लोइंग है, टेंशन की बात नहीं है। एक तो ममा अर्थ के प्रोडक्ट वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इतना खत्म हो चुका है यार, इतना हवा दिख रहा था इसके अंदर, खत्म हो चुका है ये। तो ये देखिए, अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए तो इसका भी क्रीमी ही टेक्सचर है। मुझे लगता है सनस्क्रीन मोस्टली सारे क्रीमी टेक्सचर के ही होते हैं, या फिर वाटर बेस होते हैं तो वो थोड़ा सा लाइट होते हैं। तो ये क्या है, ममा अर्थ का जो सनस्क्रीन है ना, इन दोनों की अपेक्षा लाइट है। यानी कि गुड वाइब्स की अगर आप सनस्क्रीन ले लेते हो, कोई भी गुड वाइब्स के सनस्क्रीन ले लेते हो और ममा अर्थ के सनस्क्रीन लेते हो, तो ये थोड़ा लाइट है। तो मैं बोलूँगी ऑयली स्किन वालों के लिए ये ममा अर्थ का जो ये अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन है, मुझे लगता है ये बेस्ट होने वाला है। अब बात कर लेते जो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं उसको यूज़ कर चुकी हूँ, लोटस के बारे में। मैं 30 भी यूज़ की हुई हूँ और मैं लोटस के 50 भी यूज़ की हुई हूँ। ठीक है, तो मुझसे पूछते हो तो 30 उतना जो है इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप 50 यूज़ करते हो ना, तो 50 बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, और अगर उस मुझसे पूछते हो कि वो कौन से स्किन टाइप्स के लिए, तो एक्चुअली मेरी ड्राई स्किन है और सेंसिटिव भी है, तो मुझे लोटस का वो सनस्क्रीन मुझे एकदम से सूट नहीं किया था, और वो मेरी बेटी को सूट किया था लेकिन मुझे सूट नहीं किया था। जब मैं हैदराबाद गई थी तो मैं लोटस के ही सनस्क्रीन को पूरे फेस के ऊपर मैं लगाए जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो मेरी स्किन है ना, मतलब भयानक वाली बर्न हो गई थी। मतलब सन, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, सन टैन वाले जो होते हैं ना, वो भयानक वाले जो कैटेगरी होते हैं ना, वो वाली हो गई थी। लेकिन मुझसे एक गलती हुई थी, कोई भी सनस्क्रीन जो होता है, मैं पूरा प्लेन जो है लोटस के ऊपर नहीं फाड़ सकती हूँ। कोई भी सनस्क्रीन अगर आप लगाते हो ना,
उसपे एकदम स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि घर से बाहर निकलने के 20 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अगर आप क्या करते हो, मान लो कोई भी ब्रांड का, बड़े से बड़े ब्रांड का, इवालवा रोज वाटर गिर रहा है क्योंकि मैं इसको स्प्रे करके बैठी हूँ, तो बड़े से बड़े ब्रांड का अगर आप सनस्क्रीन लगा लेते हो, चाहे कोई भी ब्रांड हो, आप चाहे सिंगापुर से ही क्यों ना लेकर के आ जाओ या कहीं से भी लेके आ जाओ, बड़े ब्रांड्स के भी अगर आप सनस्क्रीन यूज करते हो ना, यूज मतलब अपने फेस के ऊपर लगाए और तुरंत घर से बाहर निकल गए, तो वो क्या करेगा, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपकी स्किन के ऊपर और जो है वो डैमेज कर देगा। अब आप पूछोगे सनस्क्रीन तो लगाई हूँ छवि, फिर क्यों वो डैमेज करेगा? इसलिए लगे डैमेज करेगा कि सनस्क्रीन को आप अगर आप 20 मिनट्स पहले या 15 मिनट्स पहले घर से जाने के पहले अगर लगाते हो ना, तो आपकी स्किन को ले अपने कवर करता है अच्छे से, तो उसको कवर करने में, अपने आप को एक्टिव करने में आपकी स्किन के ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो आपको जब भी बाहर जाओ तो 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाओ, चाहे जो भी आप लगाते हो, तभी आप बाहर निकलो, ठीक है। दूसरी बात, मुझसे क्या गलती हो गई थी लोटस के वो क्रीम से, सनस्क्रीन से, कि रामोजी फिल्म सिटी जब घूमने गई ना, तो क्या हुआ कि किसी के स्किन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मेरी स्किन ना, मैं जल्दी जल्दी में अपना सनस्क्रीन भूल गई थी पुणे में ही, और जब मैं गई वहां पर, तो मैं वहां पे रामोजी फिल्म सिटी के अंदर घुसने के थोड़े देर पहले मैं वो सनस्क्रीन खरीदी, ठीक है कि भैया सनस्क्रीन दे दो, तो वहां पर अवेलेबल मिला मुझे लोटस का, तो मैं वो लोटस का सनस्क्रीन खरीदी, उसको लगाई, और मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ था और मैं, बापरे इतनी गर्मी हैदराबाद में, और इतनी गर्मी हैदराबाद में मैं और पूरा रामोजी फिल्म सिटी, मतलब सब लोग इंजॉय कर रहे थे और मैं, मेरी फेस, मेरे फेस से लग रहा था ना कि आग निकल रहा है, पूरी स्किन मेरी बर्न हो गई थी, जल गई थी, और मैं वो हर हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर मैं जाती थी वॉशरूम में, और उसके बाद वो सनस्क्रीन लगाती थी, फिर धूप में आती थी। तो वो दिमाग जो है ना उस समय, ये एकदम से नहीं आया कि स्किन मेरी तो ऑलरेडी जली हुई है, पूरा वो जल के ना वो सिकुड़ गई थी ऐसे, मेरी स्किन इतना भयानक बर्न हुआ था। तो ऐसी गलती आप कभी मत करना जो गलती मैं की हूँ, या तो सनस्क्रीन लगाओ ही मत आप बाहर अगर जाते हो, तो आप जो क्रीम लगाते हो आजकल जो भी क्रीम आता है, मोस्टली उसके अंदर जो है आपको SPF 15 या SPF 20 या SPF 35, एटलीस्ट 20-25 तक तो आपको SPF मिल ही जाता है। लेकिन अलग से अगर आपको प्रोटेक्ट करना है आपको अपनी स्किन को, मेरे जैसा जब जैसे मैं क्रीम लगाती हूँ उसके ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ, तो फिर आपको 20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मुझे सबसे बेस्ट कौन सा लगा और कौन से स्किन टाइप्स के लिए कौन सा सही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से स्किन टाइप्स के लिए कौन सा सही है। तो मुझे लगता है अगर मुझे लेना हो इन सब ब्रांड में से, अगर मुझसे पूछते हो कि इन सब ब्रांड में से मैं कौन सा ब्रांड पिक करूंगी, एज अ गाइड अगर मुझसे पूछते हो कि छवि इतने सारे तो आपने सनस्क्रीन दिखला दिए, लेकिन मुझे कौन सा, मैं कौन सा यूज करूँ, मुझे कैसे समझ में आएगा कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसे तो मैं बोलूँगी मुझे एकदम से अच्छा नहीं लगा है, तो मैं इसको तो एकदम से मना करूँगी आपको लेने के लिए। अब आ जाता है सेकेंड जो है आप, आ जाता है जोब्स का। तो अगर ये आप यूज कर सकते हो, ओके ओके टाइप है ये भी, मुझे मतलब उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप इसको यूज करते हो तो उतना बेकार भी नहीं है। ये अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके स्किन के साथ ये बहुत अच्छे से जाने वाला है, क्योंकि वह ये वाटर बेस है और लाइटली आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हो गुड वाइब्स के दो सनस्क्रीन है मेरे पास, तो दोनों में से मुझे बेटर कौन लगता है, तो ये एक्चुअली मैं 2.5 साल से यूज कर रही हूँ, तो मुझसे पूछते हो तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत के साथ परेशानी ये हो रही है कि वो इजिली, उनकी स्किन ड्राई है ना, तो उनके स्किन के ऊपर ये इजिली नहीं जाता है, स्किन में ये इजिली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो आप कोई भी सीरम, जो भी फेस सीरम अगर आपको सूट करता है ना, तो आप अपने पाम में इसको ले लो, थोड़ा सा फेस सीरम मिक्स करो, और उसके बाद अगर आप अपने फेस के ऊपर लगाते हो तो इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके साथ ये परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इजिली एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो कि दोनों में बेस्ट कौन लगा है, तो मेरा तो ये फेवरेट है, तो मैं बोलूँगी ये बहुत अच्छा है।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए और जो अगर आपकी नॉर्मल स्किन टाइप्स के लिए है, तो उस उनके लिए इन दोनों में से बेस्ट कौन सा रहने वाला है, तो मैं बोलूंगी ये बेस्ट होने वाला है गुड वाइब्स का सनस्क्रीन SPF 30। उसके बाद लास्ट आ जाते हैं आपको ममा अर्थ अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन के ऊपर में। तो ममा अर्थ का ये जो लाइट सनस्क्रीन है ये बहुत बेहतरीन है, बहुत बहुत अच्छा है। आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, जैसे गुड वाइब्स का मैं बोली हूँ आपकी स्किन टाइप्स कोई भी हो आपको जाने वाला है, वैसे ही ममा अर्थ के भी इस क्रीम के बारे में बोलूंगी कि आपकी स्किन टाइप्स कोई भी हो जाने वाला है, इजिली आपके स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन में है ना एक शाइन, एक ग्लो लाता है। एक होता है ना कि सनस्क्रीन लगाते हो तो आपकी स्किन थोड़ी खिंची खिंची रहती है, लेकिन ममा अर्थ का ये जो सनस्क्रीन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपनी बेटी को भी देखती हूँ मैं, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करती है और मैं भी जब जिस दिन ये लगाती हूँ ना मेरी स्किन मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब बात कर लेते हैं कि लोटस का कैसा है, तो लोटस का भी बहुत अच्छा है। अब वो अगर मुझसे पूछते हो कि कौन से स्किन टाइप्स के लिए सही है, तो लोटस जो है आपको मुझे लगता है नॉर्मल स्किन टाइप्स के लिए बहुत सही है, उसमें बहुत सारे वैरायटी हैं, लेकिन मैं जो यूज़ की थी जो मेरा जो था मुझे लगता है इस लोटस SPF 50 था, और सन ब्लॉक जो होता है, एक सनस्क्रीन होता है एक सन ब्लॉक होता है, तो मैं सन ब्लॉक ली थी और मुझे वो सूट नहीं किया, रीज़न आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं तुरंत लगाई और तुरंत धूप में चली गई तो वो रिएक्ट हो गया था मेरी स्किन के ऊपर। लोटस अगर आप मुझसे पूछते हो तो आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है तो बहुत सही है, कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी जाने वाला है वो। अगर मुझसे पूछते हो कि इन सब में से मुझे कौन सा आपको लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगी दो क्रीम को मैं बोलूँगी ओके आपको करने वाली हूँ कि आप 100% ले सकते हो, एक तो या तो गुड वाइब्स के दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, या फिर आप सनस्क्रीन ममा अर्थ का सनस्क्रीन भी ले सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जरूर, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और दूसरी बात अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो तो सॉरी दिल से, तो 5 के बारे में बात करना था ना तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय।